Hello students, so this is our first lecture regarding our software engineering exam. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें सिर्फ इंट्रो पार्ट कुछ हम लोग देखेंगे और जो मेन टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो हमारा लाइफ साइकिल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो होगा लाइफ साइकिल बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड फिजिकल नॉलेज इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट डिजाइन बिल्ड मेंटेन एंड इम्प्रूव सिस्टम प्रोसेस एटसेट्रा। तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग एक तरीके से हम लोग जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। और वो जो यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं बेसिकली हम लोग स्मार्ट वे से कर रहे हैं ताकि वो चीज़ हम लोगों के लिए ईजी बनता जाए। अगर हम इंजीनियरिंग को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करना चाहें तो इट विल बी ईजियर। ओके, लेट्स सी। इंजीनियरिंग कंबाइंस द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथ्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दैट इंप्रूव अ सेंस ऑफ स्मार्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड अस। तो इंजीनियरिंग क्या है? एक तरीके से हम लोगों का साइंस और मैथ्स का जो एक कॉम्बिनेशन है इन दोनों को कंबाइन करता है और हम हमारे जो डेली लाइफ के कुछ मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो जब अब इसी इंजीनियरिंग को हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जब हम लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम इसीलिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सो लेट्स स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वालिफाइड अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस development, operation and maintenance of software and the study of these approaches that is the application of engineering to software. तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर को जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को जब हम लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में स्टार्ट करना कर दिए यूज करना उसको स्टार्ट कर दिए तो वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करता है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। द सेकेंड थिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज वाइडर स्कोप दैन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन प्री एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट एटसेट्रा। तो जो हम लोगों का मैनेजमेंट का फील्ड है वो कुछ ज्यादा ही वाइड रेंज होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस। जो प्रोसेस मॉडल वगैरह उसमें थोड़ा सा कम रेंज हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो कि हमारा लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर देता है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है एक न्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस मॉडल तैयार कर सकते हैं। लाइफ साइकिल बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करना हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग की आखिर ये लाइफ साइकिल्स है क्या। It is the process used by the software industry to design, develop and test high quality software. ये जो है life cycle एक तरीके का process है जो कि software industry के द्वारा use किया जाता है ताकि हम लोग एक अच्छा high quality का क्या करें, software application develop कर ले। The SDLC जो software development life cycle है उसको हम लोग SDLC से भी denote कर सकते हैं। तो the SDLC aims to produce a high quality software that meets or exceeds customer expectation, reach to competition within times and cost estimates. तो ये तो हमें normal बात हम लोग इसको कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी process के help से कोई भी application अगर हम develop कर रहे हैं तो वो जो है हमारे ये जो customer expectations, reach to competition, एक competition level जरूर तैयार करेगा और customer के जितने भी expectation है कि हाँ हमें ये facilities मिलना चाहिए आने वाले एप्लीकेशंस में तो वो जरूर वो कवर करेगा। तो अब हम इसके डायग्राम को अप्रोच करेंगे कि ये जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका डायग्राम बेसिकली किस चीज को फोकस कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये बेसिक फंडामेंटल ये डायग्राम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हर एक प्रोसेस मॉडल में इस डायग्राम को हम लोगों को यूज करना होता है। तो इस फंडामेंटल डायग्राम को हम लोग ये जो है बहुत सारे कॉलेज के एग्जाम में आता है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड बाय दी ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली दी स्टूडेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्लानिंग, डिफाइनिंग, देन वी हैव टू गो टू द डिजाइनिंग, development, testing and deployment. These are the five stages that has to be followed in the software development life cycle. Okay, thank you.